अल्लाह आपने जुमा में हुजूर सैयदना फादर कलका फादर मैदीन हसन सिद्दीकी अलैहि रहमतुल्लाह का हालात तकीबा पर आपने खिताब समाप्त फरमाया। मैं इसी में ये बात कहने के लिए मैं किया कि बड़े खुश नसीब हैं गुरमुटाल के सुन्नी मुसलमान के, जैसा ही रजब का चांद नज़र आ गया, अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, गौसो खाजा ने गुरमुटाल वालों को चुन लिया कि वो गरीब नमाज का जिक्र करें, वो गरीब नमाज की याद बनाएं, वो गरीब नमाज का जिक्र सुनें, वो गरीब नमाज के शान और शौकत सुने। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखकर बड़ी मसरत हो रही है कि माशाल्लाह यहाँ गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इत्तेफाक इत्तेहाद मयाम मोहब्बत चाहत के साथ होते हैं, भाईचारगी के साथ होते हैं। यही ख्वाजा का पैगाम था कि इंसानियत सबसे अजीम तरीन चीज़ है। तो मुझे बड़ी मसरत हो रही है कि हम सब यहाँ मिलजुल कर इत्तेफाक और इत्तेहाद से हजरत सैयदना ख्वाजा कादगाम ख्वाजा मईनुद्दीन हसन सिद्दीकी अलैहि रहमतुल्लाह का जिक्र और आपका जश्न मना रहे हैं। और मराठवाड़ी के अंजुमाने के जीएन कमेटी को मैं माफी मुबारकबाद देता हूँ और तमाम हाजिरीन को और पर्दा नशीन हमारी खवातीन को भी मुबारकबादी देता हूँ कि वो जिक्र गरीब नमाज सुनने के लिए हाजिर आए हैं, फैजान गरीब नमाज सुनने के लिए हाजिर आए हैं। गरीब नमाज का जिक्र सुनने के लिए ना सिर्फ गुरमुटकाल बल्कि शादनगर से, यादगीर से, महबूब नगर से और दीगर मकाम से भी जिक्र गरीब नमाज सुनने के लिए आए हैं। तो यकीनन जिक्र गरीब नमाज हम सुन रहे हैं तो गरीब नमाज अपना जिक्र सुनने वालों को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे बल्कि यहाँ से नमाज कर भिजा देंगे, हरे के दामनों को भर कर भिजा देंगे, हरे के मसरत को खुशी हरे के दामनों को भर कर भिजा देंगे। हजरत गरीब नमाज हर एक को अता करने वाले हैं। जब लोग उनका जश्न मनाएं, गरीब नमाज को याद करें, गरीब नमाज के दर पर, गरीब नमाज के जिक्र पर जो आता है और गरीब नमाज का जो जिक्र सुनता है तो उसे अता करते हैं, तो गरीब नमाज से मोहब्बत करके फिर उनकी मोहब्बत में डूब कर सर्दी के मौसम में ना सर्दी को देख रहे हैं ना नींद को देख रहे हैं, सिर्फ मोहब्बत गरीब नमाज देख रहे हैं के तमाम चीजें तर्क करके गरीब नमाज की मोहब्बत में जमा है। तो मेरा ईमान और वजदान ये कहता है कि मेरे गरीब नमाज इस मोहब्बत को खाली जाने नहीं देंगे, हमारे दामनों को भर देंगे, हमारे मुरादों को भर देंगे गरीब नमाज, हमारी छोलियों को भर देंगे गरीब नमाज, हमारे दिल में जो चाहत है, जो तमन्ना है, जो इल्तिजा है, जो आरजू लेकर गरीब नमाज के जश्न में हाजिर आए हैं, तो गरीब नमाज सबकी छोलियों को भर देंगे। क्यों? गरीब नमाज के दरबार में गरीब आता है तो अमीर बनकर जाता है। फकीर आता है तो अमीर बनकर जाता है, फकीर आता है तो बादशाह बनकर जाता है, बे औलाद होकर आता है तो साहिब औलाद होकर जाता है, रुस्वा और गमजदा होकर आता है तो खुश होकर दरबार ख्वाजा से दौड़ता है। तो 810 साल उर्से गरीब नमाज जश्न गरीब नमाज का अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने एहतमाम किया, सुल्तानुल औलिया का जिक्र आपने अल्लाह के वली की बारगाह में किया, अल्लाह के वली हजरत हसन शाह अलैहि रहमतुल्लाह रिदवा की बारगाह में सुल्तानुल औलिया का जिक्र किया और जिक्र गरीब नवाज हम सुन रहे हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह सुभान व तआला हमारे इस जमा होने को और जश्न गरीब नमाज को अपनी बारगाह में शर्फ कुलियत अता फरमाए और हमारे दामनों को फड़ दे और हमारे नौजवान बच्चों को और हमारे नौजवान को और इसी तरीके से हुजूर सैयदना ख्वाजा कादगाम ख्वाजा गरीब नमाज का जश्न और रोज बरोज और हर साल इससे अरफा व आला बनाने की तौफीक अता फरमा दे। हजरात
जैसा कि अभी आपने नज़ामत के दौरान आपने समाप्त किया कि हम दरे गरीबी गरीब नमाज में अगर हाजिर नहीं हो सक रहे हैं, अरे जब मेरा ख्वाजा बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे, जब हम जाएं जब मेरे ख्वाजा बुलाएंगे तो ज़रूर अजमेर जाएंगे, लेकिन ख्वाजा ने क्या इंतज़ाम किया है कि दरबार गरीब नमाज में जो चादर मुबारक हाजिर होने वाली है, गरीब नमाज ने अपने चाहने वालों के लिए चादर भिजा दिया। तुम आज चादर को चूम लो, कल मेरी चौखट को चूम लोगे। आज तुम मेरे चादर को बोसा ले लो, कल मेरे मजार पर बोसा लोगे। तो हम जा नहीं सक रहे हैं, कम से कम गरीब नमाज की दरबार में पहुंचने वाली खिलाफे मुबारका को बोसा देंगे। इरादा करें कि गरीब नमाज, अब मैं आपके दरबार में हाजिर होने वाली चादर को बोसा दे रहा हूँ, या गरीब नमाज जल्दी अपने दरबार में बुला लीजिए। तो यकीनन गरीब नमाज अपने चाहने वालों को, अब से गरीब नमाज से मोहब्बत करने वालों को यकीनन बुलाते हैं। गरीब नमाज का वो दरबार है, ना सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ हिंदू भी आता है तो गरीब नमाज अता फरमाते हैं, ईसाई भी आता है तो नमाजते हैं। मजहब नहीं देखा जाता, इंसान को देखा जाता है। मोहब्बत की जाती है दरबार गरीब नमाज से। बैर कैद इस महीने में मुझे बड़ी मसरतें हो रही हैं कि हम सब मुसलमान हिंदू इत्तेफाक इत्तेहाद मियां मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब है, ये बहुत अल्लाह का फजल है, बहुत ही अल्लाह का करम है, हम सब मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं। बस गरीब नमाज ने यही पैगाम दिया है। अल्लाह कहे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। अब इंशाल्लाह चादर पेश की जाएगी, बोसा देकर उसको रख दिया जाएगा, साथ ही महफिल का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। इधर आइए ना जी।